अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों जी स्टूडेंट्स, तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे माइरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जी, तो जो नेक्स्ट हमारा माइरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर्स जी स्टूडेंट्स। तो जो वर्नियर कैलिपर्स में हम चार क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, व्हाई वी यूज़ वर्नियर कैलिपर्स, क्या हम इसको यूज़ क्यों करेंगे। दूसरा, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसमें दो स्केल्स हैं, मेन एंड वर्नियर स्केल, इसको डिस्कस करेंगे। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि व्हाई वी यूज़ वर्नियर कैलिपर्स, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको। यदि एक्यूरेसी ऑब्टेन इन मेजरमेंट्स यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर, ये तो आपको पता है, जो वर्नियर स्केल है, जो मीटर रूल है, उसकी जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर है। मतलब उससे आप जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर तक है। बट बेटा, अगर आपने 1 मिलीमीटर से स्मॉल रीडिंग मेजर करनी हो, मीन 0.2 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, मीन्स ये 1 मिलीमीटर से स्मॉल वैल्यूज हैं, तो अब देखें, अब तो ये जो स्केल है, जो मीटर रूल है, वो तो यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो फेल हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, ये उससे 1 से भी स्मॉल वैल्यूज हैं। फिर हम क्या करेंगे, एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, अगर हमें इससे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, इससे हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, कैन बी ऑब्टेन बाई यूजिंग सम अदर डिवाइसेज सच एज वर्नियर कैलिपर्स। तो फिर आप क्या करेंगे, जब 1 मिलीमीटर से आप स्मॉल वैल्यू मेजर करना चाहते हैं, फिर आप किसको यूज़ करें, वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करें। नाउ अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। अ वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज, इसके 2 जॉज हैं जी स्टूडेंट्स। तो देखिए, इसके 2 जॉज होते हैं, ये जो दोनों हैं, ये जो हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। ये फिक्स किसके साथ होते हैं, मेन स्केल के साथ। और ये जो दोनों हैं, ये मूवेबल होते हैं, मीन अदर जो हैं, ये मूवेबल जॉज हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और ये दोनों जो हैं, ये फिक्स्ड होते हैं जी स्टूडेंट्स। इसी तरह ये जो वर्नियर कैलिपर्स है, इसके स्केल 2 तरह के होते हैं। देखें, एक ये आपको जो है सारा स्केल नज़र आ रहा है, जो 0 से लेके इस तरह 11, 12, 13 से लेके 17 और आगे तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको एक लेंथ वाइज ये स्केल एक बड़ा नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये मेन स्केल है, इसको आप कहेंगे मेन स्केल। और देखें, एक आपको ये स्केल नज़र आ रहा है, जो 0, 1, 2, 3 और ये इस तरह आपको एक ये छोटा स्केल नज़र आ रहा है, जो इस तरह है, ठीक है, इसको आप कहेंगे वर्नियर स्केल। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये क्या है, ये मेन स्केल है, और ये जो आपको रीडिंग नज़र आ रही है 0, 1, 2, 3, 6, 7, ये जो है, ये जो छोटा स्केल है, इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल, और ये जो मेन है, जो लेंथ वाइज ज़्यादा है, ये है मेन स्केल। इसी तरह देखें, जो 2 जॉज थे, जो फिक्स्ड जॉज हैं, दे आर अटैच्ड विद मेन स्केल, एंड द अदर जॉज आर फिक्स्ड विद वर्नियर स्केल। अब देखें, ये जो वर्नियर स्केल होता है, ये मूवेबल होता है, आप इसको इस तरह जो है लेफ्ट राइट, इसको जो मेन स्केल के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक होता है मूवेबल स्केल है, इसलिए इसके साथ ये दोनों जॉज लगे हुए हैं, जो जबड़े लगे हुए हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, ये मूवेबल हैं। इसी तरह ये जो मेन स्केल के साथ लगे हुए हैं, ये तो आपको नज़र आ रहा है, ये तो फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। वन इज़ अ फिक्स्ड जॉ विद मेन स्केल अटैच टू इट, जो है जो अटैच होते हैं मेन के साथ, स्केल के साथ, वो क्या होते हैं, वो फिक्स्ड जॉज होते हैं। मेन स्केल है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट, जो मेन स्केल है उसके ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं, जो आपको स्केल नज़र आ रहा है, वो उसके ऊपर जो रीडिंग्स है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स में होंगी, ठीक है। द अदर जॉ इज मूवेबल जॉ, ये मूवेबल किसके साथ जॉज अटैच होंगे, वर्नियर स्केल के साथ जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें, ये जो वर्नियर स्केल है, ये जो मूवेबल स्केल है, इसके ऊपर कितनी रीडिंग्स हैं, 0 से लेकर 10 तक, मीन वर्नियर स्केल के ऊपर सिर्फ 10 डिविजन्स होती हैं, 10 रीडिंग्स होंगी जी स्टूडेंट्स। और इसकी जो देखें, वर्नियर पे 10 डिविजन्स टोटल हैं, और जो एक डिवीज़न होगी, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक, ये होगी 0.9 मिलीमीटर जी। तो जो वर्नियर कैलिपर्स है, उसका जो वर्नियर स्केल है, इट हैज़ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिविजन्स है। तो वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिविजन्स होती हैं, ओवर इट सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीज़न इज 0.9 मिलीमीटर, और इसकी जो एक डिवीज़न होगी वो 0.9 मिलीमीटर की होगी जी स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को इन चारों क्वेश्चन की समझ आ रही होगी कि हम इस्तेमाल वर्नियर कैलिपर इस तरह करते हैं, जब हमें 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है। कंस्ट्रक्शन भी होगी मेन स्केल, और जो है वर्नियर स्केल की भी समझ आ गई होगी। ये जो है, ये एक फिक्स्ड स्केल है, इसके ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स में होती हैं,
और जो वर्नियर स्केल है ये एक मूवेबल स्केल है, उसके ऊपर टोटल डिवीजन 10 होती हैं और जो एक डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर की होती है। जी प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।